नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा। आज हम बात करते हैं राजयोग की। जी हाँ, राजयोग क्या होते हैं कुंडली के अंदर। कई बार हमारे पास जातक आता है, जातक जातिका की कुंडली आती है, हम बोलते हैं आपकी कुंडली में राजयोग बनते हैं, तो वो बोलते हैं राजयोग होते क्या चीज है। जी हाँ, राजयोग के बारे में पता होना चाहिए कि राजयोग होते क्या है। कुंडली के अंदर तीन से अधिक ग्रह स्वराशि में या तीन से अधिक ग्रह स्वराशि में उच्च के बैठे हो कुंडली के अंदर, या पांच हो या ज्यादा, जो भी ग्रह अच्छी राशियों में, अपनी राशियों में, मित्र राशि में, उच्च के स्वराशि में बैठे होते हैं, तो राजयोग का निर्माण करते हैं। कुछ योग बनते हैं गज केसरी योग, बुध आदित्य योग। वो होते हैं कि सूर्य अगर बुध के साथ आ जाए तो बुध आदित्य योग बन जाता है। गज केसरी योग के अंदर अगर चंद्रमा गुरु का योग बनता है तो गज केसरी योग बनता है। इसी तरीके से स्वराशि के अंदर ग्रह अगर चारों, जो अंदर के खाने होते हैं, अंदर के खानों के अंदर अगर स्वराशि में ग्रह आते हैं तो वो भी एक अलग अलग नाम के योग बनाते हैं। पर आज हम उनकी चर्चा अलग से किसी वीडियो में करेंगे। आज हम बताते हैं कि राजयोग के माध्यम से, और राजयोग जब आता है तो कुंडली के अंदर वो कब फलीभूत होता है। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है लोगों की, कुंडलियों में राजयोग बनते हैं पर उनका समय ही नहीं आता। कुछ एक समय पीरियड के लिए आते हैं, वो बस उसको लाइटली, वो थोड़ा बहुत अच्छा खुश माहौल देखकर वो सोचते हैं अगर यही राजयोग होता है तो ये इस तरीके के राजयोग का तो कोई फायदा नहीं। जी हाँ, राजयोग के लिए उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आनी बहुत जरूरी है। जिनकी कुंडली के अंदर राजयोगों की महादशा आ जाती है, वो लोग छत्र, एक छत्र राज करते हैं और उनके पास शास्त्रों में लिखा है कि घोड़े, गाड़ी, वाहन, घोड़े, रथों की जो है संख्या बहुत होती है। पर आज के समय में हम कह सकते हैं कि वाहन, गाड़ियां तरह तरह की उसके दरवाजे के आगे बंधे होते हैं, नौकर चाकरों से घर भरा रहता है। आज के राजयोग के अंदर हम ये मानते हैं, उसको पॉलिटिक्स में भी मान सकते हैं, किसी आधिकारिक पोस्ट पे भी मान सकते हैं, जहां पर उसको सुख साधन बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं, वो राजयोग फलीभूत होते हैं। पर ये होते तभी है जब महादशा उनकी चल जाए और महादशा उनके पीरियड में उस समय पे आ जाए जिसको वो भोग कर सके। कई बार ऐसा होता है कि वो उम्र उनकी 60 से ऊपर होती है, राजयोग का पीरियड आता है, तो उनके बच्चों के माध्यम से उनको राजयोग मिलता है और वो ऐश करते हैं। और कई बार क्या होता है कि राजयोग की महादशा आ गई और वो महादशा अगर बच्चा है और उसके फादर को उसका लाभ होता है, वो उसमें बस इंजॉय करता है, फायदा नहीं ले पाता। महादशाओं का या राजयोगों का फायदा भी हम एक सही उम्र पे ले पाते हैं। अगर वो 25 से लेकर या 30 के बाद से लेकर और 60 के बीच में आ जाती है, 50 के बीच में आपकी महादशाएं आ जाती हैं और राजयोग की आपकी कुंडली बनी हुई है, तो उसका लाभ आप स्वतः लेते हैं। तो राजयोग कुंडली के अंदर स्वराशि उच्च के ग्रहों को देखकर कहा जाता है। जितने ज्यादा वो उच्च के ग्रह बैठे होते हैं उतनी कुंडली मजबूत हो जाती है। सूर्य के निकट आने से वो अस्त ना हो, सूर्य चंद्रमा का योग से ग्रहण योग ना बनता हो, या अमावस्या का योग जो बन जाता है, चंद्रमा अस्त ना हो, ये भी हम देखते हैं कि जितना ज्यादा योग फलीभूत बलवान होते हैं उतनी ज्यादा कुंडली मजबूत हो जाती है। तो आज हमने सिर्फ आपको लाइटली ये बताया राजयोग होता क्या है, राजयोग का उपयोग हम किस अवस्था में कर सकते हैं, और राजयोग की कुंडली में हम बता तो देते हैं और राजयोग का समय ही नहीं आया तो वो राजयोग सिर्फ कुंडली में रह जाते हैं। वो एक अच्छा इंसान हो सकता है, उसको और सब चीजें बहुत इजीली मिल जाती है, पर राजयोग का जो असली जो फायदा है वो नहीं ले पाता। तो ये जानना कि राजयोग का हम उपयोग किस तरीके से कर पाएंगे और राजयोग के माध्यम से, क्योंकि कई बार हम योग लिखते हैं पर दूसरा योग उसको कहीं ना कहीं काट देता है, तो वो योग हम कुंडली में देख के खुश तो हो जाते हैं पर साथ साथ जो दूसरे योग बन रहे होते हैं वो उनको काट देते हैं। तो राजयोग का पीरियड हो, महादशा आ जाए, राजयोग शुद्ध हो, उसको कोई भी बुरा ग्रह ना देखता हो, तब ये फलीभूत पूरे होते हैं। तो आगे एक नई जानकारी लेके आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे, तब तक के